थंबनेल देख के पता चल ही गया हो कि आज मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करूंगा कि मैंने लाइफ में पहली बार एरोप्लेन में सफर किया है, तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सर, अभी इंतजार करना पड़े तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा सुखद हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू स्पाइस जेट। We are on our way to the aircraft now. For your convenience, let's get you familiar with the boarding process. Passengers seated in rows 1 to 15, please board from the front door. तो गाइस फाइनली अभी हम लोग इस प्लेन के पास पहुंच चुके हैं। अब उतरेंगे बस से। बस से उतरने के बाद इस प्लेन पे हम लोग बैठे थे। आपको मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि जब हम लोग बचपन में होते थे तो हमारे सर के ऊपर से प्लेन जाता था और हम लोग सोचते थे कि काश इस प्लेन पे बैठ पाते। तो आज वो फाइनली मेरा सपना, मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है। मुझको बहुत मज़ा आ रहा है। फाइनली केबिन के अंदर हम लोग घुस चुके हैं और अब सीट खोज के बैठने वाले हैं। मेरा सीट नंबर है 35। अभी आपको और कुछ मैं दिखाने वाला था, एयर होस्टेस को दिखाने वाला था, लेकिन वो अपने केबिन के अंदर चली गई। अभी वो कुछ देर के बाद आएगी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वो समय आ गया जब मैं अपनी सीट पे बैठने जा रहा हूँ और प्लेन का व्यू बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ। और यहाँ अभी थोड़ा सा इसका समय है, कोविड का समय, इसलिए मैं अपने मास्क लगा करके रखा हूँ और सीट भी अच्छा खासा कंफर्टेबल है। आप अपना बैग साइड पे डाल सकते हैं, रख सकते हैं सेफ्टी के लिए। गाइज स्पाइस जेट वालों ने अभी सर पे बांधने के लिए दे दिया है कि इससे किसी का जो है गैस आपको अटैक ना कर पाए और आपको कोई बीमारी ना हो। आप मेरे सर के ऊपर जो देख रहे हैं वहाँ से आप अपना एसी उसी अब जो चला सकते हैं, लाइट ऑफ करके सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो गाइज फाइनली हमारा जो एरोप्लेन है वो टेक ऑफ हो गया है और अभी हम लोग आसमान में उड़ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है नीचे का। तो आप इस व्यू का मज़ा लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। हाँ, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। गाइस फाइनली अभी हम लोग लैंड करने वाले हैं दिल्ली एयरपोर्ट में। रनवे पे अभी एरोप्लेन दौड़ रही है, अभी कुछ ही देर में जाके रुकेगी। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही कम खर्चे में बहुत हमने अच्छे से इंजॉय किया। आप भी इंजॉय कर सकते हो। तो गाइस अब मुझे बहुत मज़ा आया। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा आप देख लीजिए, कितना खूबसूरत और कितना मस्त है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग बताओ।